क्या मामला सर पूरा? वो कोटा डीलर के संदर्भ में विवाद ये है कि कोटा डीलर की जो दुकान थी वो एसडीओ महोदय के यहाँ से निरस्त हो गई थी और उसके खिलाफ उन्होंने जो है कमिश्नर साहब के यहाँ जो है अपनी अपील की थी। कमिश्नर साहब ने उसके निरस्तीकरण का जो आदेश था एसडीओ महोदय का उसे जो है अपने यहाँ से निरस्त करते हुए निलंबन का आदेश यथावत बनाए रखा है और एसडीओ महोदय को आदेश दिया है कि वो गुण दोष के आधार पर जो पीड़ित है उसको सुनकर अपना निष्पक्ष निर्णय दें। कुछ लोग हैं गांव के, कई लोगों से बात हुई, आरोप लगा रहे हैं कि कहीं कहीं एसडीएम साहब ने पैसा ले लिया उस वजह से सही जांच नहीं करवा रहे हैं, इसमें कहां तक सच्चाई है? अब देखो ये बात ये है कि मेरा उद्देश्य यही है कि मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाए। इस संदर्भ में जो जो आरोप उन पर लगाए गए थे राशन कार्ड धारकों के द्वारा, उन आरोपों के ही बिंदुओं पर मैंने जो है जाँच करवाई है और जाँच वीडियो साहब के माध्यम से करवाई गई है और इसके अलावा और भी जो आरोप थे उसको जो जिसने जयराज ने जो अपील की थी वहाँ नायली जो पूर्व डीलर है उसको नोटिस देके उससे उसका जवाब मांगा जा रहा है। उस जवाब के आधार पर मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा जो कि निष्पक्ष होगा। बांके ग्राम प्रधान साहब कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो कहता है कि कुछ चिन्हित लोग हैं केवल उनके बयान लिए जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि चिन्हित लोगों के बयान लिए जा रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि जो स्टॉक रजिस्टर और बिक्री रजिस्टर दोनों हैं उसके मिलान के आधार पर, इसके अलावा जो है रैंडमली जो हैं उसके आधार पर, क्योंकि सारे लोगों के एक साथ बयान नहीं लिए जा सकते। आयुक्त महोदय के द्वारा एक माह में जांच पूर्ण करके आदेश देने के लिए कहा था जिसमें विलंब हो गया है और मेरा उद्देश्य यही है कि कम से कम 50 से लेकर 60 कार्ड धारकों के बयान लिए जाएँ जो कि मेरे द्वारा स्वयं नहीं लिए जा रहे हैं। वीडियो साहब के माध्यम से बयान लिए जा रहे हैं और उसमें जो है उनके व्यक्तियों के मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर जिन्होंने बयान लिए जिससे कि वो जांच जो है उच्च अधिकारी के पास पहुंचे तो वो उसकी पुष्टि कर सके सही गलत की।